नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक आम यूट्यूब चैनल ओडिशा जॉब डिटेल्स रे स्वागत। तो फ्रेंड्स देखो तो आमर ये रिक्रूटमेंट कौन आसी ना एसएससी तरफ स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तरफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी पोस्ट रे एठी आपण मानकर एफसीएल नोटिफिकेशन टी 20/8/2022 रे अनाउंसमेंट करा जाय छी जो कि वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी रही छी देखिबा को मिलु छी एथिरे आपण मानकर जहां सब पोस्ट रही छी ता स्टेनोग्राफर पोस्ट रही छी एवं एथिरे बहुत परिमाण रे पदवी रही छी पाखा पाखी 1500 रु अधिक पदवी एथिरे आपण मानको वैकेंसी आकार रे मिलु छी। तबे निश्चित रूपे यही जॉब रो संपूर्ण अपडेट टीम आपन मन को प्रोवाइड करी आमर यही यूट्यूब चैनल माध्यम रे। तबे जदि आपन माने प्रथम करी हम यूट्यूब चैनल को विजिट करतंती ताल निश्चित रूपे चैनल को सब्सक्राइब करंतु नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल रे सेट करंतु नेक्स्ट अपडेट को लेटेस्ट जॉब अपडेट को सबटु प्रथमे पाइबा पई। तबे चलंतु जानी रखिबा आज रो यही जॉब रो विशेष अपडेट टी को। सो फ्रेंड देखनी ध्यान दे जानी रखत स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एसएससी तरफ स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एवं डी पोस्टर वैकेंसी वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी रही 1500 रु अधिक पदवी में निजुक्ति आपण मानक मिलवर अच्छी 19,990 रु अधिक दरमा आपन मिलुची। जदि आपण माने एही फॉर्म को अप्लाई करिया को चाहुचंती ताहले एठी आपण मानकर सिंपली 12th स्टैंडर्ड पास करथिले एही फॉर्म को अप्लाई करि परबे। तबे एठी आपण मानकर जो एज लिमिट आवश्यक करूची ग्रेड सी पोस्ट पई मिनिमम 18 वर्ष रु 30 वर्ष एवं ग्रेड डी पोस्ट पई मिनिमम 18 वर्ष रु 27 वर्ष वयस सीमा आवश्यक करुच्चे। तेज एटी एससी एस टी कैटेगोरी पिलामाने रहिले ओबीसी कैटेगोरी पिलामाने रहिले सेमानो पई वयस सीमा कोहल करा जाय छी जेमिति कि गवर्नमेंट रूल अनुसार रही थाए। ऑल इंडिया कैंडिडेट याकु अप्लाई करि परिबे बोथ मेल एंड फीमेल समस्ते एही फॉर्म को आवेदन करिया को इलिजिबल अटंती। तेबे ओडिशा रा प्रत्येक जिलार भाई और भौनी माने जे माने प्लस टू कंप्लीट करछंती निश्चित रूपे एही फॉर्म को अप्लाई करि परिबे। तो फ्रेंड्स देखंतु एठी जदि आपण माने ई फॉर्म को अप्लाई करछंती ताले ऑनलाइन प्रोसेस रे आवेदन करिया पड़िबो। ऑनलाइन रे अप्लाई करला बेले जनरल ओबीसी कैटेगोरी पिला मानो पई 100 टंका एप्लीकेशन फीस दबा को पड़िबो एवं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विस मानको क्षेत्र रे एवं वुमेन मानको क्षेत्र रे कोनोसी एप्लीकेशन फीस दबा को पड़िबो नहीं। जनरल कैटेगोरी ओबीसी कैटेगोरी रो पुरुष प्रार्थी माने निश्चित रूपे एहाकु अप्लाई कला बेले 100 टंका लेके एग्जाम फीस देकी आवेदन करि परिबे। एही मोड ऑनलाइन रे रहिबो आपण माने पेमेंट को ऑनलाइन माध्यम रे अप्लाई करि परिबे। तबे एटी भीम यूपीआई नेट बैंकिंग और यूजिंग भिसा मास्टरकार्ड मेस्ट्रो रूपे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड माध्यम रे आपण माने एहारो पेमेंट को डिपॉजिट करि परिबे। सिलेक्शन प्रोसीजर आपण मानकर रिटिन एग्जाम रहिबो प्रिलिमिनरी मेन रिटिन एग्जाम पर प्रैक्टिकल टेस्ट रहिबो एवं एथिरे जो माने उत्तीर्ण हेबे सेमानको एही नियुक्ति रे चांस मिलिबो बा चाकरी टिए मिलिबो। तो फ्रेंड्स गुरुत्वपूर्ण सूचना आपण मानको देई रखिबी जदि आपण माने एहारो पीडीएफ को डाउनलोड करिया को चाहुचोंदी ताला हमर ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल को जॉइन करंतु सेठी आपण मानको पीडीएफ टी मिलि जिवो। तबे निश्चित रूपे जे जॉइन करनाती निहाती रूपे आमर टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे आपण मानको टेलीग्राम चैनल रो लिंक मिलि जिवो। एवं एथिसहित आपण मानकर जदि इम्पोर्टेंट डेट ऊपर नजर पकेबा बा केबे थारु केबे पर्यंत आपण माने यार ऑनलाइन फॉर्म को भरि परिबे ताले जानि रखंतु 20/8/2022 रे ऑनलाइन आसीबा दिनोटु यार ऑफलाइन प्रोसेस स्टार्ट होई सारिछि 5/9/2022 पर्यंत आपण माने यार फॉर्म को अप्लाई करि परिबे। तबे लास्ट डेट रहिछि पेमेंट को डिपॉजिट करिवार ऑनलाइन थ्रू रे 6/9/2022 एवं जनरेशन ऑफलाइन चालन करिया को चाहुथिले 5/9/2022 पूर्वरु करि परिबे एवं पेमेंट जन पेमेंट जहाँ रही ऑफलाइन माध्यम जब करा चाहूबे तेल 6/9/2022 पूर्व आपण मैंने पेमेंट करेंगे ऑफलाइन चालन थ्रू रे। एवं एठी जदि आपर कौन टिके भी भूल रही जाऊँगी पेमेंट रो कौन प्रोब्लेम रोचे तेल 7/9/2022 पूर्व आपण मैंने ठीक से करें। एटी आपण मानक सबुठ बड़ कथा जे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम यार 9/2022 हम बोली अनाउंसमेंट कर जदि आपण माने फॉर्म को अप्लाई करे चाहूचंती ताले आमर ऑफिशियल साइट को विजिट करंतु वीडियो रो डिस्क्रिप्शन चेक करंतु www.naukri.in गूगल माध्यम रे सर्च करले मध्ये आपण माने आमर पेज को आसी परिबे। तबे एठी के आसीला पोरे पेज को स्क्रोल डाउन करिबे एवं स्क्रोल डाउन करके तळु को आसी के रजिस्ट्रेशन एवं लॉगिन ऑप्शन रहिछि। जदि पूर्वरु केबे एसएससी साइट रे फॉर्म पकेथिबे ताहाले आपण माने सिंपली पुरुना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड को देकी आपण माने फॉर्म टी को फिलअप करिपरिबे। जदि नुआ कैंडिडेट होइथिबे ताहाले रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करिबे प्रथमे रजिस्ट्रेशन करिबे तापर लॉगिन करिकी
फॉर्म टिकु अप्लाई करि परबे एवं एटी मध्ये नोटिफिकेशन लो लिंक दिया जाय छी तबे आपन माने नोटिफिकेशन टिकु मध्ये एठो डाउनलोड करि परबे सिंपली जदी आपन माने हम टेलीग्राम रे जॉइन करि छथि ताले आपन मानको सेठी मध्ये नोटिफिकेशन लो लिंक मिलि जिवो बा नोटिफिकेशन सेठी अवेलेबल रहि छी। सो फ्रेंड्स ये थिला डिटेल्स अपडेट टीए स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया तरफ रो आसीथिबा स्टेनोग्राफर पदवीर नियुक्ति भित्तिक सूचना जेउथरे कि आपन मानको डिटेल्स अपडेट मु प्रोवाइड करिसरची। ग्रुप सी ग्रुप डी रो पदवी रहिची जोटा कि आपन मान पई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहिची। 12th स्टैंडर्ड पास करथिले निश्चित रूपे अप्लाई करंतु तबे डेरी काई कि जदि आवेदन करनांती आज ही आवेदन करंतु आमर ऑफिशियल साइट माध्यम रे। तबे फ्रेंड्स आज रो अपडेट टी आपन मानको किपरी लागिला निश्चित रूपे कमेंट सेक्शन रे कमेंट करके जनाइबे। भल पाइबा सुरु भिडियो को लाइक टे करेंगे सांगसाथी सहित सेयार करने को जमार भूलें और चैनल को प्रथम तरह भिजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करने नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करके ऑल रे सेट करेंगे लाटेस्ट अपडेट को सब प्रथम आपण मैंने पारे आम चैनल जरिए। तो फ्रेंड्स डेरी कहीं बर्तमान ही आम सहित जोड़ी रुंतु टेलीग्राम जॉइन कर टेलीग्राम निश्चित रूपए जॉइन करूँ टाइम टू टाइम से आम अपडेट दि जाऊँगी। फ्रेंड्स बर्तमान यही अपडेट रे बस एति नेक्स्ट अपडेट रे किसी नुआ तथ्य नुआ सूचना नहीं आपण मानक आसबी से पर्यंत विदाय दिंतु। जय जगन्नाथ।